सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लियो फॉक्सी हेयर। तो भाई आज हम क्लोज रेंज के ऊपर बात करेंगे। तो भाई ये बड़ी यूज़फुल टिप्स है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप श्योर इन्हें फॉलो करिए, आपको अपने आप ही चेंजेस दिखेंगे आपके गेम प्ले में। तो टिप वन है भाई, डू जंप शॉट्स। अगर आपको ज़्यादा डैमेज पड़ रहा हो तो जंप शॉट्स का इस्तेमाल करिए, आपकी मूवमेंट पूरी बदल जाएगी और एक अच्छी टिप है। तो भाई चलते हैं फिर दूसरी टिप्स की तरफ। दूसरी टिप है भाई, डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन जायरो। जायरो पे हमेशा डिपेंडेंट रहना चाहिए भाई। थंब लगा लो अपना, कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं थंब लगाने से, पर ऑलवेज डिपेंड ऑन जायरो आपको मार भी सकता है। तो भाई तीसरी टिप है, एम असिस्ट ऑफ इन TDM, मेक्स योर एम बेटर। एम असिस्ट है भाई, आपका एम बहुत अच्छा होगा। आपको एक हफ़्ता खेल के देखो, आप फिर क्लासिक में जाओ, आपको फिर अलग ही दिखने लग जाएगा डिफरेंस कि पहले एम क्या था अब क्या है। भाई डू हार्ड मूवमेंट इफ़ एनिमी इज़ गिविंग हार्ड डैमेज। ठीक है, आप हार्ड मूवमेंट कर सकते हो, क्राउड शूट कर सकते हो, ड्रॉप शॉट्स ले सकते हो प्रोन एकदम। तो ये अच्छी टिप्स होती है, जिगल कर सकते हो, तो ये एक अच्छी टिप है। तो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्विच गन्स। ठीक है भाई, स्विच गन्स से क्या होता है, रिलोड करने लग जाते हैं लोग कि मतलब एक गोली होगी फिर उसमें ही भाई तुम्हारी सेकंड चल जाते हैं। एक एक सेकंड कीमती होता है भाई गेम में। तो भाई दूसरी गन ले सकते हो आप इतने में, उससे मार सकते हो बंदे को, और एक अच्छा यूज़फुल टिप है। तो भाई पाँचवीं है, डू प्री फायर। तो भाई प्री फायर करोगे तो आपका एम क्रॉस हेयर एनिमी पे होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता फ्री फायर करने का। ठीक है, आप ये श्योर हो कि आपका एम पूरा एनिमी पे ही है तो फिर ये अच्छा बन जाता है एकदम, कि एनिमी पे एम होता है तो एनिमी भी घबरा जाता है प्री फायर, और आपका उसका डैमेज एकदम आपका पहले ज़्यादा पड़ता है एनिमी पे, तो आपके किल करने के भी चांसेस एकदम ज़्यादा बन। तो भाई सेवन टिप्स है हमारी जिगल। तो भाई जिगल में सबको पता होता है, जॉय स्टिक्स को हम लेफ्ट लेफ्ट राइट करते हैं, तो उसे भाई कुछ लोग तेज करते हैं, कुछ लोग एकदम धीरे करते हैं। हमें लगता है कि एकदम कि हमारी मूवमेंट स्लो है, पर भाई एनिमी के नज़रिए से हमारी मूवमेंट एकदम तेज़ होती है। उसे मीडियम स्पीड में करना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे। तो भाई हमारी एट्थ पिक है, डोंट पैनिक। भाई लोग डरते हैं, ये डरने की चीज़ नहीं है गेम, ये एक सिर्फ गेम है, इसमें डरने का भाई कोई मुद्दा बनता नहीं कि तुम डर रहे हो। तो भाई खुल के खेलो ना यार, डरने से क्या फ़ायदा होगा, डरना नहीं है इस गेम में। ठीक है, डोंट पैनिक, कोई बंदा असली ज़िंदगी थोड़ी है, ये गेम है ये सिर्फ। ठीक है, आपको बंदा मारना मार देगा तो क्या हो गया, वापस क्लासिक लगा लेंगे। इससे आपकी स्किल्स ही बढ़ेगी, मार देगा और अपनी मिस्टेक ढूंढ के आप उसे सही भी कर सकते हो। तो हमारी लास्ट टिप है भाई, ऑलवेज़ कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई मैं मार सकता हूँ उसे, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं आता भाई मैं पूरा मैप हिला दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब तो इसकी पूरी स्क्वाड डाउन। ऐसे भी नहीं करना है भाई, दूसरे के पास भी स्किल्स है। तो भाई आपको काम रहना है बिल्कुल, ये भी नहीं आप जोन टू जोन मूव कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रहो कि भाई मैं हम मार सकते हैं इसे। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, उन्हें भी ये टिप्स अच्छी लगी हो कहीं और उनके काम भी आ सकती है। तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।